हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन ऑफ मानसून। तो चलिए, चैप्टर नंबर वन हमारा चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, और अब हमें कंटिन्यू आगे करना है। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है हमारे पास जिनके बारे में हमें डेफिनेशन और जिनके बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही तीन स्टेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो थ्री स्टेट्स कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पूछा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या आप बता सकते हो क्या मैटर इसकी स्टेट चेंज करती है? क्या कभी आपने देखा है कि सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया? ठीक है, या आपने देखा हो कभी गैस से जो है लिक्विड, या लिक्विड से फिर सॉलिड कन्वर्ट हो गया? हाँ, जनरली आप कह सकते हो यस मैम, हमने ऐसा देखा है। आपने देखा है कि कोई भी आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, आइस किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। और आइस को जैसे ही आप उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखते हैं, तो कुछ देर बाद आइस जो है वो मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। ठीक है, अगर आप लिक्विड को बॉइल करते हो तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। सो जो क्वेश्चन आपसे पूछा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो आपका आंसर होगा यस, यस मैटर कैन चेंज देयर स्टेट। हाउ? तो स्टेट चेंज करने के लिए दो फैक्टर्स हमारे पास स्पेशली हैं, और वो दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर और सेकंड है प्रेशर। दो फैक्टर कौन से हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उससे जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो इनका जो अट्रैक्शन होता है, दैट अट्रैक्शन शुड बी डिक्रीजेस। ओके, अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होना क्यों होगा? साथ में इसके देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, या तो आप कह सकते हो कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आपको पता है, देखिए ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ये कौन से मॉलिक्यूल है? सॉलिड। आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी ये रैंडमली मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो इनके बीच का फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो है, वो कम होगा। अब जैसे अट्रैक्शन कम हो गया, तो आपको याद है कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो किसमें होता है? लिक्विड में, ये सॉलिड में। अब आप इसको और हीट दे रहे हैं, और हीट देंगे तो फिर से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको याद है, एनर्जी पॉजेस ड्यू टू मोशन, कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है, मोशन करता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने और हीट दी, इसकी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब इनके बीच में और स्पेस हो गया। ठीक है, और स्पेस होने का मतलब क्या है? किस फॉर्म में चेंज हो गए? गैसेस। ठीक है, तो मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, और उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर है। वन इज टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। कम होने से क्या होगी? ये रैंडमली मूव करेंगे और इनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये स्टेट चेंज होगी। सेकंड हमारे पास है प्रेशर। देखिए, प्रेशर का अपोजिट होता है, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सॉरी, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक सिलेंडर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और मैंने एक पिस्टन लेके इस पे प्रेशर लगाया। ठीक है, ये पिस्टन है मेरा, यह है पिस्टन, और एक पिस्टन को मैंने अंदर के साइड में धकेल दिया इस पे। यानी मैं क्या कर रही हूँ? मैं गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। क्या अप्लाई कर रही हूँ? प्रेशर। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तो इस प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा? फिर प्रेशर होने का मतलब हम इन पे दबाव डाल रहे हैं। जब हम इन पे दबाव डाल रहे हैं तो क्या होगा? जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। अब आपको पता है ये वाली स्टेट तो गैस में होती है, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड। समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके
हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछा जाता है, हाउ कैन वी लिक्विफाई द गैस। ठीक है, आपको पता है जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, उसके अंदर लिक्विड गैस होती है, कभी हिला के देखना उसको, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जैसे आप उसका नॉब ओपन करते हो सिलेंडर का, तो जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो यानी जो गैस है वो लिक्विफाई कब होगी, लिक्विफाई कब होगी, तो लिक्विफाई जब होगी जब हम टेम्परेचर को तो क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो हमारे पास एक कुल मिला के एक स्टेटमेंट आ गया, व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर एंड सॉरी व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड, या लिक्विफिकेशन हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, पिघल जाता है। ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड जिस स्टेट पे जिस टेम्परेचर पे बॉइल करना स्टार्ट कर देता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड पिघलना शुरू कर देता है, मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस का भी यही होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब बात आती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले बात आती है लैटेंट हीट। देखिए लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान रखना इसको, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से पहले हमें पता होना चाहिए लैटेंट हीट क्या होती है। देखिए लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जनरली आपको पता है जब भी हीट यानी जब भी हम किसी को हीट देंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लैटेंट हीट का मतलब होता है हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसका एग्जांपल है, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर में आपने बहुत से आइस क्यूब्स डाल रखे हैं, क्या डाल रखे हैं, आइस क्यूब्स, ये क्या है, आइस क्यूब्स है। ठीक है, और इस बीकर को आपने एक स्टैंड पर रख दिया है, ठीक है, स्टैंड के नीचे आपने एक बर्नर लगा दिया है, यानी आपने फ्लेम लगा दिया है, यानी यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड कर दिया, क्या दे रहे, हीट। अब देखिए यहाँ पे आप एक थर्मोमीटर लेंगे और थर्मोमीटर से आप इसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, आपने क्या लिया, एक थर्मोमीटर लिया। ठीक है, थर्मोमीटर से जब हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, ये हमारे पास हो गया थर्मोमीटर और ये हमारे पास हो गए आइस क्यूब्स। जैसे अब हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर डालेंगे इसमें, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में जब आप आइस बाहर निकालते हो उस टाइम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको हीट भी दे रहे हो लेकिन फिर भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और ये टेम्परेचर कब तक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जब तक कि ये पूरी आइस पिघल के वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो हीट है जिसको हमने दिया है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी आप हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। यानी स्टार्टिंग में जब आइस था तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब आपने हीट दिया, ये आइस से पूरा पिघल के वाटर बन गया, तब ही तब तक इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, छुपी हुई, उसमें छुपी हुई हीट, यानी हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब वो हीट गई कहाँ, तो वो हीट कहीं भी नहीं गई, उसने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया बल्कि उसने क्या कर दिया, स्टेट चेंज कर दिया। यानी आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है, तो सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड स्टेट, यानी उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, हीट की सॉरी मैटर की स्टेट चेंज हो गई लेकिन उसका क्या चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसको कहते हैं लैटेंट। अब बात आती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड इंटू
ये होती है अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। ये थी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा ध्यान से सुनना है इसको, आपको राइट डाउन भी करना है वीडियो से ही। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक ठीक है, वो तो होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, हैव ए गुड।